मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद। इंद्र कुमार गुजराल की पैदाइश आजहानी श्री अवतार नारायण गुजराल के यहाँ 4 दिसंबर 1919 को जेहलम मगरबी पाकिस्तान में हुई। एक छोटा सा शहर है पाकिस्तान में जेहलम, मैं वहाँ पैदा हुआ था। मेरा ख़ानदानी रिश्ता उस शहर के साथ था। मेरी तालीम मुकम्मल तौर पे लाहौर में हुई, उस पंजाब के ख़त्ते में जिसमें पाकिस्तान भी है और हमारा भी। उसमें उर्दू ज़ुबान ज़रिया तालीम था और इसलिए जो मेरी तालीम हुई स्कूल तक 10 जमात तक वो उर्दू के ज़रिए हुई। दूसरी बात ये भी थी कि तालीम के ज़रिए भी आती ही बात लोगों के लिए रहन सहन में आती है। तो उस ज़माने में पंजाब में या पंजाबी घर में, उर्दू बाहर या स्कूल में। इंद्र कुमार गुजराल ने डीएवी कॉलेज, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और एफसी कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल की। बचपन से ही इंद्र कुमार गुजराल नहायत मुतहर्रिक और फाल शख्सियत के मालिक रहे हैं। 1930-31 की तहरीक में जब उनकी उम्र 11 साल की थी वो बाल भारत सभा में शामिल हुए। पुलिस की लाठियां खाई, जुल्म सहे और जेल भी गए। इस तरह आज़ादी की तहरीक में दिन ब दिन उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। बचपन से उनका एक तरीका था कि ये आमतौर पर अपनी उम्र के लोगों में इतना कंफर्टेबल नहीं समझते थे और हमेशा अपनी उम्र से बड़ी ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों की कंपनी पसंद करते थे। मुझे याद है कि एक बार हमारी माँ ने उनको कुछ जार डाली कि वो रोज़ शाम को जब दूसरे लड़के आकर गेंदबल्ला खेलते थे तो ये एक दुकानदार जो हमारे वालिद के दोस्त थे, लेकिन वो मेरे वालिद के दोस्त के बाप थे, तो ये उनके बाप के पास जा बैठते थे और वो कहती थी कि तुमको इस बूढ़े के सिवा कोई दिखाई नहीं देता, हाँ तुम्हारी उम्र के लड़के बाहर खेल रहे हैं, जो भी हो। लेकिन इस मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रन में मैंने देखा है कि इनकी शख्सियत को डेवलप करने में इस बात का बहुत हिस्सा रहा है। बचपन से इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा हुई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 1930 में कांग्रेस की तारीख चली तो मेरे माँ बाप तुझिया चले गई, लेकिन दूसरे दिन ये एक झंडा लेकर हमारे गांव के करीब एक थाना था उसके आगे जाकर नारी लगाने लगी। नेचुरल है कि इनको गिरफ्तार कर लिया, यानी 10 साल की उम्र थी और ये पहली बार गिरफ्तार हो गई। हालांकि दूसरे दिन थानेदार ने इस बात को मजाक समझा, उनको छोड़ दिया। लेकिन ये एक रात जेल में रहना उनकी बाकी उम्र में एक बहुत बड़ा संगमेल था। इंद्र कुमार गुजराल तालिबे इल्मी के ज़माने से तहरीक आज़ादी से वाबस्ता रहे। वो तमाम सियासी और समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। नतीजतन उन सरगर्मियों ने बहुत जल्द उन्हें स्टूडेंट्स तहरीक का हीरो बना दिया। 1935 से 1943 तक गुजराल साहब लाहौर में रहे और स्टूडेंट मूवमेंट में शरीक रहे। इसके अलावा वो कुछ अरसे स्टूडेंट यूनियन के सदर और पंजाब स्टूडेंट्स फेडरेशन के सेक्रेटरी भी रहे।
इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार हुए और जेल की हवा भी खाई। इसी जमाने में उनका रिश्ता तरक्की पसंद मुसन्नफीन से कायम हुआ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था और ये हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स थे और मुझसे कोई 3-4 साल जूनियर होंगे दूसरे कॉलेज में, और वहाँ हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे द ग्रेट पोइट फैज़ अहमद फैज़। फैज़ साहब ने हमें उनसे मिलवाया था, उससे सच्ची बात तो ये है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिस्ट ग्रुप के नज़दीक आते गए। फैज़ के साथ मेरे बड़े गहरे रिश्ते, बड़े दिलचस्प थे। ये शुरू हुए थे जब मैं अभी हेली कॉलेज में पढ़ता था। उस वक्त वो हेली कॉलेज में लेक्चरार बन के आए थे। मैं तो तालिब इल्म था, लेकिन हम दोनों का रिश्ता कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था, इसलिए उस नाते रिश्ते हमारे और करीब हो गए। वो रिश्ता सारी उम्र कायम रहा है, आज भी है। फयाज साहब की कोई किताब अभी तक नहीं छपी थी, लेकिन उनकी किताब निकश फरियादी उन्होंने अपनी डायरी में जो आद के साथ लिखी थी, तो वो उन्होंने एक बार मुझको पढ़ने के लिए दी। दूसरे लोगों को तो सुनाते थे, लेकिन मैं सुन नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि तुम खुद पढ़ लो। इससे मुझे भी फयाज साहब के बहुत नज़दीक आने का मौका मिला। और दोस्तों में अली सरदार जाफरी थे, सुजाद हैदर वो थे, ये सब लोग इकट्ठे होते थे। तो मेरा हॉस्टल मेरे भाई साहब के हॉस्टल के पास ही लाहौर में था, और मैं भी रोज शाम को उनके पास बैठता था। इंद्र कुमार गुजराल ने 1942 की भारत छोड़ो तहरीक में सरगर्म हिस्सा लिया, हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और आज़ादी के जज्बे से सरशार बहुत से नौजवानों को अपनी शख्सियत और अपनी कोशिशों से मुतासिर किया और खुद को भी तहरीक आज़ादी के हवाले कर दिया। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद जैसी मुतअद्दिद सरकर्दा शख्सियात का असर कबूल किया और वतन अजीज की आज़ादी के लिए अपनी हर मुमकिन कुर्बानी पेश की। 42 की जब भारत छोड़ो तहरीक चली थी, तो उस वक़्त मेरी माँ और मेरे वालिद, मेरी माँ के साथ मेरी छोटी बहन थी 6 बरस की, वो भी, और मैं खुद, हम सब जेल में थे। लाहौर भी 3 जेल थे, एक छोटी उम्र के लोगों का, एक औरतों का और एक बड़ी उम्र के लोगों का। ये तीनों जेल 3 कोने में थे। एक वक्त था जब मेरे भाई साहब बच्चों वाले जेल में, मेरी माँ औरतों वाले जेल में, मेरे वालद साहब मर्दों वाले जेल में, और मैं अकेला बाहर था उन सब की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाज़ार से चीज़ें खरीद कर कभी एक जेल में, कभी दूसरे जेल में, कभी तीसरे जेल में जाता था। इत्तेफाक़ ये हो गया कि एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, एक हड़ताल में एक जगह पे विच आई वॉज लीडिंग, तो हम गिरफ्तार हो गए। जब ये उन्हीं दिनों में सेंट्रल जेल में थे, हम लोग इतने थे, हम तकरीबन मेरे ख्याल में 800-900 के करीब थे वर्कर्स जो कट्ठे पकड़े गए थे। तो जेल में रखने की जगह नहीं थी, तो जेल में उन्होंने हमें एक कंपाउंड से दे दिया था और वहीं पे राशन दे देते थे कि तुम लोग खाना वाना पकाओ और यही करो। तो हम लोगों को सबको इकट्ठा रखना था। जब बहुत लोग एक ही कट्ठे जेल में हों तो उनसे गवर्नमेंट भी बहुत डरती रहती है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्हीं दिनों में किसी और सिलसिले में, वो भी थोड़ा एक स्ट्राइक का ही सिलसिला था, इंदर कुमार गुजराल और इंदर मोहन भी कुछ दिनों के लिए जेल में थे, लेकिन वो हमारे साथ रह नहीं रहे थे। दोस्ती तो हमारे साथ थी उनकी, लेकिन उनको दूसरी जगह रखा हुआ था जिसका नाम था शाही सेल, यानी कि जो सियासी लोग, पॉलिटिकल प्रिजनर थे और
کچھ کھانے کھاتے پیتے لوگ تھے تو ان کو جیل میں علیحدہ طور پہ رکھا ہوا تھا. تو اتفاق یہ ہوا کہ ہم لوگ علیحدہ تھے جیل میں, یہ لوگ علیحدہ تھے, اور ملنے جلنے کی آپس میں اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک صاحب تھے جو اس وقت نیا نیا آئی سی ایس بن کے انگریز تھے, آئے تھے, وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتے تھے شملے میں. تو وہ ایک دفعہ جیل دیکھنے آئے اور جیل کا انسپیکشن کرنے, تو انہوں جب باہر گئے تھے تو لکھا اس میں کہ مجھے ان قیدیوں سے علیحدہ کر دیا جائے کیونکہ میں وہاں پہ اسٹڈی سرکلز چلا رہا تھا. تو کہاں سے آئسولیٹ کرتے؟ تو وہ یہ انگریز کتاب میں یہ لکھ کے گیا کہ اس کو, یعنی کہ مجھ کو آئسولیشن کے لیے اندر وغیرہ کے سیل میں بھیج دیا جائے. سن 43 رہا ہوگا غالب, نہیں 42 رہا ہوگا. پٹنے میں آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں ہم بھی گئے تھے. ہم بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ تھے, لیڈر سے سمجھے جاتے تھے کانپور میں. وہاں جو ڈیلیگیشنز آئے تھے تو ہر طرف سے, ہندوستان کے سارے علاقوں سے, اور اس زمانے میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بڑی پریسٹیج تھی. لاہور سے جو ڈیلیگیشن آیا تھا وہ وہاں کے بہت بڑے بڑے لوگوں کا کے اولادیں جو تھیں, مثلا یہ کہ مظہر علی خان جو اخبار کے بھی وجہ سے مشہور ہوئے, ان کا بیٹا طارق علی لندن میں رہتا ہے, وہ مشہور ہوا, وہ مظہر علی کا بیٹا ہے. پھر ان کے بڑے بھائی تھے طاہر, کیا نام تھا ان کا, وہ تھے پیرن بھروچا, ڈاکٹر بھروچا کی بیٹی, یہ سب لاہور سے. رمیش چندر آئی سی ایس افسر تھے, ان کا بیٹا, یہ سب لیفٹسٹ ہو کے. اور انہی کے ساتھ اندر کمار گجرال بھی آئے تھے. تو اندر کمار گجرال سے وہاں سب سے پہلے سن 42 وغیرہ میں کبھی ملاقات, جو کانفرنس 41-42 میں ہوئی تھی پٹنے میں, وہاں میری سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی, ان لوگوں کے ساتھ ساتھ پیٹن وغیرہ کے. بول کے لب آزاد ہے تیرے, بول زبان اب تک تیری ہے, تیرا ستواں جسم ہے تیرا, بول کے جان اب تک تیری ہے. پاکستان بن گیا اور لاکھوں لوگوں کی طرح ہم بھی یہاں آ گئے. پھر زندگی نئی شروع ہوئی. بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میں 10-12 سال کا تھا, تب گجرال صاحب NDMC کے وائس چیئرمین بنے, اور روز صبح 7 بجے سے ہمارے گھر میں لوگوں کا, میں کہوں گا سینکڑوں لوگ آتے تھے اپنی پریشانیاں لے کے, اور گجرال صاحب برانڈے میں بیٹھے ایک ایک کے ساتھ 5-5, 10-10 منٹ لگانا, ان کے لیے ٹیلی فون کرنے. اس وقت کوئی پی اے کا ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, اپنے آپ پہلے نمبر نکالنا, پھر نمبر گھمانا, پھر ان کے کام کروانے. کئی بار ہم کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, صبح 3-4 گھنٹے آپ ضائع کرتے ہیں اس طرح سے. شاید بہت چھوٹے تھے ہم تو سمجھ نہیں سکے اس وقت کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن تب سے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ غریب آدمی ہے, اس کا اور کوئی نہیں ہے. اور اگر آج مجھے خدا نے ایسی پوزیشن میں ڈالا ہے کہ میں ان کا کام کر سکوں یا ان کی مدد کر سکوں اور میں ان کو ٹھکرا دوں, تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. آزادی سے پہلے جس ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ وہ تحریک آزادی میں پیش رہے, آزادی کے بعد بھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے. وہ پہلی بار 1964 میں راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے. ان کا سیاسی کریئر دن بدن نئی بلندیوں کو چھوتا رہا. گجرال صاحب مختلف وزارتوں پر فائز رہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھایا. ہندوستان کی تاریخ میں ان کی خدمات ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہیں گی. وہ 21 اپریل 1997 کو ہندوستان کے وزیر اعظم بنے, جو ان کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی. اس اعلی منصب پر رہ کر انہوں نے جو کام کیے
वो जग जाहिर है। अपने देश के फॉरेन मिनिस्टर बहुत देर तक रहे हैं और एक उनको बड़े नाम एक चीज़ गुजराल डॉक्ट्रिन से याद रखते हैं, कम से कम जो हमसाए के मुल्क हैं वो इन पे बहुत इतबार करते हैं। और गुजराल डॉक्ट्रिन का मतलब यही कि भाई ये जो हमसाए के मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका या नेपाल, ये हिंदुस्तान से पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए मतलब अनडेवलप्ड हैं और इनको चाहिए कुछ ज़रूरत हो। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क, एक बड़ा भाई या जो भी एक बड़ा दोस्त समझ लीजिए, तो उसको उनको चाहिए कि उनकी मदद करें हिंदुस्तान को। तो उसमें थोड़ी सी जनरोसिटी, थोड़ी सी रिलैक्स तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कि जैसे अभी भी नवाज शरीफ जो पाकिस्तान में हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का नाम आता है तो कहते हैं गुजराल साहब मेरे दोस्त हैं। जब मैं बांग्लादेश जाता हूँ तो अब तो वो हसीना जो हैं प्राइम मिनिस्टर थी वो भी इनको अपना बहुत अजीज़ समझती थी। तो इन्होंने एक ऐसा समझ लीजिए लाइन ली या ऐसा बात की या ऐसे ख्यालात का इजहार किया कि जिससे कि ये हमसाए के मुल्क अपने एक रस्सी में बंध गए जो कि एक हिंदुस्तान के करीब थी। इंदर कुमार गुजराल साहब पाकिस्तान में बहुत पसंदीदा शख्सियत है, इसलिए नहीं कि आपका जन्म जो है वो उस खित्ते में हुआ जो अब पाकिस्तान है, ये तो बहुत से लोगों के साथ इत्तेफाक होगा, लेकिन इंदर कुमार गुजराल की शख्सियत मजमूई तौर पर जिन अनासिर से बनी है उसमें सबसे अहम बात हमारा वैल्यू सिस्टम है, मशरक़ की अकदार हैं। और मशरक़ की अकदार जब मैं कहता हूँ तो हमारी इस्लामी अकदार भी वही हैं, तो गुजराल साहब उसका एक जीता जागता सबूत है। इस वजह से पाकिस्तान में जब भी गुजराल साहब का नाम आता है तो बहुत इज़्ज़त की निगाह से, मोहब्बत, इज़्ज़त तो सबकी की जाती है लेकिन मोहब्बत, उसकी कई और वजूहात भी हैं कि गुजराल साहब का उर्दू ज़ुबान से, उर्दू अदब से जो गहरा रिश्ता रहा है, और वो महज रिश्ता नहीं बल्कि उन्होंने इसके लिए सबूत भी दिए, उन्होंने बहुत लिखा है। मैंने उनकी बहुत उनके साथ उनका जो ताल्लुक़ रहा, ख़ास तौर पर फैज़ अहमद फैज़ से गुजराल साहब की जो ज़ाती ताल्लुक भी और जज्बाती ताल्लुक जो उनकी शायरी से है और जो नज़रिए से है, तो उस बुनियाद पर उन्होंने बड़े लाजवाल मज़ामीन लिखे हैं और उनको पढ़ के पता चलता है कि गुजराल साहब फैज़ साहब को किस तरह डिस्कवर करते थे या किस तरीके से उनको देखते थे। मेरे दिमाग बारे और एटीट्यूड बारे इनके ख्याल का बहुत गहरा असर हुआ। इन्होंने बचपन से मुझे ऐसे लोगों की किताबें पढ़ने के लिए दी जो इस तरह की थे, और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बाहर के भी, जैसे मैक्सिम गोर्की, टॉलस्टॉय वगैरह। तो मैं बाद के दिनों में सोचता था कि इन्होंने ये किस लिए सोचा, तो मुझे ख्याल आया कि इनका ख्याल था कि मेरी हैंडीकैप की वजह से बाद की ज़िंदगी मेरे लिए इतनी मुश्किल होगी कि मुझे कोई ना कोई कोना चाहिए जो मैं अदब में ढूंढ सकता था। तो वो जैसे जिस वक़्त उन्होंने मुझे फैज़ की ये नज़म पढ़ने को दी, मैं गमगीन हूँ तो फिर क्या है, गमगीन है ये दुनिया सारी, ये गम तेरा है ना मेरा, हम सब की जागीर है प्यारी, क्यों ना झांका गम अपना ली, बाद में सब तदबीरें सोचें, बाद में सुख के सपने देखें, सपनों की ताबीरें सोचें। तो जब हम दिल्ली आए तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना थिएटर से ताल्लुक़ पैदा किया जाए, तो शीला भाटिया और हाली वत्स से हमारी दोस्ती हो गई और हमने इनके थिएटर जो था दिल्ली आर्ट थिएटर उसमें जाने आने लगे। दिल्ली आर्ट थिएटर के प्रेसिडेंट थे इंदर कुमार गुजराल,
इंदर कुमार गुजराल के होते हुए वहाँ पर एक दो नहीं पाँच चार पाँच छः उर्दू के ड्रामे हुए। क्यों? इसलिए कि इंदर की ज़बान उर्दू है। एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ आपको, शायद सब मालूम भी होगा लोगों को, इंदर कुमार गुजराल के भाई जो हैं सतीश गुजराल बहुत मशहूर पेंटर हैं, मेरे ख्याल से आठ दस बारह की उम्र थी या दस से भी पहले शायद, वो ऐसा कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो गया था कि तब से उनके समाज जो थी हियरिंग वो ख़त्म हो गई है सतीश की। तो जो कुछ भी उस ज़माने तक सुन रखा था उन्होंने या पढ़ रखा था बस वही, तो चुनाचे वो अल्फाज जो आप बोलते हैं तो ज़रा मुश्किल से समझ में आता है लोगों के, लेकिन आप उनसे बात किस तरह कर सकते हैं, आप बातें कीजिए उस वक्त, या तो इंदर गुजराल उनके साथ हो या सतीश की बीवी उनके साथ हो, तो वो उनके हाथ पर यानी सतीश के हाथ पर उर्दू से लिखते जाते हैं, जो हम कह रहे हैं वो सतीश के हाथ पर लिखते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में गोया के, और सतीश उसको समझ रहे हैं कि क्या है, क्योंकि वो पढ़ना उर्दू ही पढ़ी है सतीश ने भी। एक मेरा छोटा भाई, एक उसको हैंडीकैप हो जाए, उसको खड़ा होने में मैं कुछ सहारा दे सकूं, तो ये फ़र्ज़ है, धर्म है मेरा, उसमें कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। असल में अगर आप सोचें कि आप हमारे ख़ानदान में सबसे ऊंचा कौन गया है तो वो सतीश गया। इंद्र कुमार गुजराल की सियासी और समाजी खिदमात का दायरा बहुत वसी है। सियासी शोर व गलगला में भी हिंदुस्तान की सेक्युलर अकदार को फ़रोग देने में उन्होंने नुमाया खिदमात अंजाम दी, और इस तरह मुल्क की अकलियत और अक्सरियत दोनों के दिलों पर उन्होंने हुक्मरानी की और नौजवान नस्ल के लिए मशल राह भी बने। देखिए कि उन्होंने ये जो कश्मीर का ग्रुप था, पंजाब का ग्रुप था, एक जगह तो समझ सकते हैं कि आप सिखों का और दूसरी तरफ एक मुसलमान वैली के जो दूर जा रहे थे, वैसे भी अपने उनके दोस्तों में बहुत से लोग ऐसे हैं, हर शायर को जानते हैं, हर अदीब को जानते हैं, वहाँ के लोगों को जानते हैं, तो इसलिए अगर हम इसकी सेकुलरिज्म की वैसे बात करें कि भाई एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी उसमें मानते हैं, उसको बड़ी बहुत दफ़ा उन्होंने बयान भी ऐसे दिए हैं, हमें याद आए जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जहाँ मज़हब का मामला है वो इसको पॉलिटिक्स से नहीं मिलाते, और मज़हब चाहे वो हिंदू का है या मुसलमान का है, सिख का, ईसाई का है, वो अपना अपना बात है जो भी कर दे, लेकिन और इसीलिए एक इंसान की तरह सबसे मिलना, सबको बोलना, सबको मिलाना, ये बहुत उनके है। गुजराल साहब की सोच में और हम सारे ख़ानदान की सोच में हमेशा एक चीज़ रही है कि ये देश तभी इकट्ठा रह सकता है अगर हम सेकुलरिज्म को अपना धर्म बना लें। जब जब हम उस रास्ते से हटते हैं तो आप देखते हैं कि देश में किस तरह वायलेंस भी होती है और किस तरह से लगता है कि जैसे देश टूटने जा रहा है, और ये सोच गुजराल साहब की शुरू से रही है कि अगर देश को मजबूत बनाना है, अगर देश को इकट्ठा रखना है तो सेकुलरिज्म के ऊपर आप कभी भी कोई डिबेट नहीं कर सकते, ये चीज़ पक्की रहनी चाहिए। हमारी खुशकिस्मती ये रही है और आज भी है कि हमारी बुनियाद इस नज़रिए से बनाई गई कि हम आज की दुनिया में रहते हैं, पुरानी दुनिया में नहीं रहते। दूसरी बात ये हम मान के चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम लोग हर किस्म के हैं, रंग हमारे किसी का ब्राउन, किसी का वाइट, किसी का काला, किसी के बाल सफ़ेद, किसी के नहीं हैं, लेकिन हम एक हैं। इस एकता, अनेकता और एकता में एक मान के चलना, ये हिंदुस्तान का एम गांधी जी ने भी बनाया था, यही जवाहरलाल ने हमको दिया था, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जवाहरलाल, आपने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक 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 क्लास ये भी है कि साइंटिफिक टेंपर को बनाया जाएगा। साइंटिफिक टेंपर क्या होता है? आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में
دیکھ رہے ہیں. یہ یونیورسٹی اردو کی ہے لیکن اردو کے ناطے لوگ سائنس سیکھ رہے ہیں. وہاں لڑکے لڑکیاں اتنی بڑی تعداد میں تعلیم پا رہی ہیں. ان کو اپنے گھر کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن صرف شعر اور شاعری سے بات نہیں بنتی, بات سائنس اور ٹیکنالوجی سے بنتی ہے. یہی اس وقت نصب العین تھا جب بنائی گئی تھی. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اور پچھلے 5-10 برسوں میں کیا ہے وہ تسلی بخش. گجرال کمیٹی کا انعقاد اور اس قرارداد کے بعد اردو کا فروغ اور اردو کے اس نحیف اور بیمار بدن میں جو توانائی آئی وہ بصورت حیدرآباد کی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ہو, جس کے اب 65,000 سے زیادہ طلباء طالبات موجود ہیں, یا دنیا کے مختلف حصوں میں اس زبان کا فروغ جو ہو رہا ہے, تو یہ جو رکا ہوا پانی تھا اس کو گجرال صاحب نے آبشار کی طرح سے بہا کر اس سے جو روشنی تولید کی ہے اس کی روشنی سے آج اردو کے چراغ اور اردو کے جو بلب ہیں, جو بتیاں ہیں, وہ ہر جگہ جل رہی ہیں. اور اردو کی تاریخ جو لکھی جائے گی ان میں ان لوگوں کے نام ذکر کیے جائیں گے. ترقی کے وقت تو ہر شخص جو آئے گا تو وہ تو ایک مثبت گام ہے, لیکن تحفظ کے وقت جب اردو ختم ہونے کا اندیشہ ہو اس وقت آپ کے جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان میں آئی کے گجرال صاحب کا نام سب سے زیادہ اہم ہے. اور ہم خوشبخت ہیں کہ ایسی شخصیت اردو کے لیے موجود ہے جو اردو کے تن من دھن دامے درمے سخنے کام کر رہی ہے. اردو سے یہ محبت کا عجیب راز ہے. جب دکھ کی ندیا میں ہم نے اپنی یہ ناؤ ڈالی تھی, تھا دم خون بہت بہاؤ میں اور خون میں کتنی لالی تھی, یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگے.